नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल एस के कैरियर पॉइंट पे साथियों आज आपके लिए नई सी एच ओ की भर्ती लेके आएँ और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं कौन से एन एच एम से यह वैकेंसी निकाली गई है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और सैलरी सारे क्राइटेरिया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं एकदम नई भर्ती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की हम आपके लिए सारी वैकेंसीयों की न्यूज़ बताते हैं और यहाँ पे जितने भी एन से वैकेंसी निकाली जाती हैं आप सबको पता होगा यूपी पी एन एच एम और राजस्थान एन जितने भी एन से रिगार्डिंग वैकेंसी निकाली जाती हैं आप सबको बताते हैं तो आज की स्पेशल वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं नई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती यहाँ पर इसको जी वाले बी नर्सिंग वाले और बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पूरी भर्ती की जानकारी के लिए आप वीडियो को देखें ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल साइट से ऑफिसिय नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया गया है इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताना चाहूँ यहाँ पे इसको जीएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आरएम एम आर एन आर एम दोनों जो, जो है सर्टिफिकेट चाहिए उसके बाद में यहाँ पर जो है बी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और बी वाले कैंडिडेट को अप्लाई कर सकते हैं बी वालों को यहाँ पर एटलीस्ट टू ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर उनके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है ठीक है और यहाँ पे कुछ डिसेबल क्राइटेरिया दिए गए हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ कहाँ से वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों इस वैकेंसी अगर बात करें ये झारखंड एन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर इसकी ऑफिशियल ई मेल देख सकते हैं और डेट तेरह चार दो को यानी कि काफ़ी टाइम इसको हो चुका है और यहाँ पर जो है सामदायक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु यहाँ पे जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी के बारे में बात करें यहाँ पे छः सौ साठ वैकेंसी हैं जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हो जाती हैं और इन सभी पदों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है अलग के के अलग कैटेगरी की अलग अलग संख्या में यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इस वैकेंसी के बारे में बताया गया ये वैकेंसी घटाई भी और बढ़ाई भी जा सकती है ठीक है कंडीशंस के अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद में यहाँ पे आगे अगर इसमें बात करें तो ये जो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या टेन प्लस टू कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तो साथियों इसके बारे में आपको बताना चाहूँ इस जो वैकेंसी है ये स्पेशल झारखंड वालों के लिए है ठीक है अलग स्टेट के कैंडिडेट्स के को अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओनली झारखंड वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आप बता देता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या ठीक है तो अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी बात यहाँ पे जो इसके बारे में मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है आगे अगर बात करें इसके बारे में इसके बारे में देखिए जो एज क्राइटेरिया है एज इसकी दो हज़ार एक चार दो हज़ार इक्कीस को आधार मानकर किया जाएगा यहाँ पे एज लिमिट्स जो है आप देख सकते हैं अलग अलग जो है कैटेगरी के, के लिए यहाँ पे अलग अलग डेट निर्धारित की गई है दिव्यांगों के लिए अलग यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में अगर बात करें जो मेन मेन जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण भी है यहाँ पे उसके बाद में इसकी जो है यहाँ पे आरक्षण जो प्रतिशत है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दे रखा है ठीक है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अगर ये नोटिफिकेशन आप चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा अगर वहाँ से आप नहीं ले पाते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा वहाँ से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है अब आवेदन किस तरीके से करना है आपको आवेदन देखिए आवेदन कैसे करना है आवेदन होम पेज पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम पर जाके आपको जो है प्रोसेस आगे बढ़ानी है उसके बाद में आपके सामने अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो ठीक है आगे इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं देखिए परीक्षा तिथि यहाँ पे सब कुछ बताया फोटोग्राफ परीक्षा तिथि जो है आप सबके लिए जो भी परीक्षा तिथि है कुछ दिन बाद ठीक है रांची जिला मुख्यालय स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र केंद्रों पर सी मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है आपकी ठीक है और आगे की जो इन्फोरेंस होगी वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता लग जाएगा या फिर आपके लिए वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी ठीक है परीक्षा का स्तर एवं प्रकार रहने वाला है आप सबको पता होगा ये जो परीक्षा है वो किस तरीके से होने वाली है आप सी एच ओ के बारे में बात करें पहले ब्रिज कोर्स के लिए जो है आप सबको परीक्षा देनी होगी उसके बाद में यहाँ पर आगे की प्रोसेस जो है बढ़ाई जाएगी यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अंक निर्धारित किए गए हैं उनको जोड़ के यहाँ पे आप सबकी परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे ऐसा क्राइटेरिया इसमें रखा गया है आगे अगर इसमें बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं आप लोगों के लिए या यानी कि सिलेबस क्या होने वाला है सिलेबस के बारे में भी बताए यहाँ पे देखिए तकनीकी विशिष्ट विषय सौ प्रश्न सामान्य अध्ययन से बीस परसेंट सामान्य गणित बीस परसेंट सामान्य विज्ञान दस प्रसेंट इस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ठीक है और यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं ये यही हैं बस अन्य आवश्यक सूचना अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे इस संबंध में अधिक किसी आवेदक को विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो देख सकता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी नर्सिंग से रिगार्डिंग वो सभी आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें ठीक है आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आते हैं धन्यवाद